सीरियल परदेश में है मेरा दिल में नैना के सपोर्ट से राघव अपने आप को कर रहा है काफी स्ट्रॉन्ग महसूस अरमान के अगेंस्ट अपनी लड़ाई में। सीरियल परदेश में है मेरा दिल में नैना बहुत खुशी खुशी राघव को सपोर्ट कर रही है। राघव और नैना दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में है वो शायद ही किसी और कपल में देखने को मिलती है। दोनों ने आज तक हर मुश्किल काम में एक दूसरे को सपोर्ट किया है और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनकर हर प्रॉब्लम का सामना किया है। हालांकि उन दोनों के बीच काफी डिफरेंसेस आ गए हैं क्योंकि राघव के मन में नैना को लेकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उसने उसे धोखा दिया है। राघव को ये नहीं पता है कि नैना ने जो भी किया है वो उसके लिए ही किया है। नैना के पेट में जो बच्चा है वो अहाना का है, ना कि नैना का। शो में अब आप देख रहे हैं कि अरमान राघव को बिजनेस डील में हराया जा रहा है। एक के बाद एक राघव को नाकामयाबी मिल रही है, ये बात नैना देख नहीं पाती और वो डिसाइड करती है कि वो अरमान को अपने तरीके से इस बात का जवाब देंगी। नैना के होते हुए राघव का कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है और अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि राघव और नैना मिलकर कैसे अरमान का सामना करते हैं और वो उसको बिजनेस डील में हराते हैं। रियलिटी शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल परदेश में है मेरा दिल में नैना के सपोर्ट से राघव अपने आप को कर रहा है काफी स्ट्रॉन्ग महसूस अरमान के अगेंस्ट अपनी लड़ाई में। सीरियल परदेश में है मेरा दिल में नैना बहुत खुशी खुशी राघव को सपोर्ट कर रही है। राघव और नैना दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में है वो शायद ही किसी और कपल में देखने को मिलती है। दोनों ने आज तक हर मुश्किल काम में एक दूसरे को सपोर्ट किया है और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनकर हर प्रॉब्लम का सामना किया है। हालांकि उन दोनों के बीच काफी डिफरेंसेस आ गए हैं क्योंकि राघव के मन में नैना को लेकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उसने उसे धोखा दिया है। राघव को ये नहीं पता है कि नैना ने जो भी किया है वो उसके लिए ही किया है। नैना के पेट में जो बच्चा है वो अहाना का है, ना कि नैना का। शो में अब आप देख रहे हैं कि अरमान राघव को बिजनेस डील में हराया जा रहा है। एक के बाद एक राघव को नाकामयाबी मिल रही है, ये बात नैना देख नहीं पाती और वो डिसाइड करती है कि वो अरमान को अपने तरीके से इस बात का जवाब देंगी। नैना के होते हुए राघव का कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है और अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि राघव और नैना मिलकर कैसे अरमान का सामना करते हैं और वो उसको बिजनेस डील में हराते हैं। रियलिटी शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।